और ये वाला जो स्प्रिंग देख रहे हो यही वाला स्प्रिंग टूट गया आई थिंक, देख रहे हो ना यही स्प्रिंग टूट गया इंजन में और इसीलिए पूरा दिक्कत हो रहा था। मैंने यहाँ पे इंजन खुल गया और भैया उधर काम कर रहे हैं, तो पता नहीं भाई बेबी लाइट में क्या इशू हुआ है, बस देखते हैं कि जल्दी जल्दी इशू रिजॉल्व हो जाए। देख और क्लच प्लेट असेंबली भी खुल गया है और इंजन का जो केसिंग का जो कवर होता है वो भी खुल गया है एंड यहाँ पे इंजन का जो गियर का जो स्प्रिंग्स होता है वो भी खुला है। सो फिलहाल भाई लोग देख पाओगे चेंज पॉकेट नया आ चुका है, थोड़ा सच में दिमाग खराब हुआ है जब से गियर का पिन अचानक से गियर का जो स्प्रिंग अचानक से टूट गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आई थिंक भाई लोग अपने थंबनेल और टाइटल में देख के आपको पता लग गया होगा कि कौन सा वीडियो है। तो हाँ भाई, थोड़ा सा बहुत लो फील कर रहा हूँ क्योंकि भाई ऑफकोर्स भाई एक बाइकर के लिए जब उसका बाइक ख़राब हो जाता है या बाइक में कोई प्रॉब्लम होता है तो बहुत दिल पर लगता है यार, क्योंकि हम बाइकर्स बाइक को अपना फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैं आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, वीडियो में बने रहो और बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम हो गया मेरा बाइक एनएस 200 BS4 में बेबी लाइट में। तो सबसे पहले बता चलूँगा, आपने आई थिंक मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा जब हम लोगों ने बरसात में थोड़ा सा भींग के या रेन में थोड़ा राइड किया था तो मज़ा आया था, वहाँ पे भी बाइक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, नियर अबाउट 150 तक 140 तक हिट कर रहा था, मतलब बरसात में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन अचानक उसी दिन रात में मैं जब वापस आया और घर में थोड़ा सा काम पे निकला तो अचानक क्या हुआ मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, आप लोग सुनो। तो मैं फोर्थ गियर पे था, 40-50 कर रहा था, अचानक से जब फिफ्थ गियर अप्लाई किया तो इंजन का RPM पूरा फॉल कर गया और इंजन खटक से आवाज़ करके बंद हो गया। कैसा आवाज़ किया, खटक से आवाज़ कर बंद हो गया। मुझे लगा बैटरी इशू होगा, तो फिर मैं बैटरी चेक किया, नहीं इशू नहीं है। तो फिर पता चला कि भाई गियर लीवर का प्रॉब्लम है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे कैसा प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे फिलहाल बेबी लाइट है एंड जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हुआ है भाई वो गियर बॉक्स का। आई थिंक आप देख पाओगे, देखो ये गियर कैसा हो गया, आई थिंक आप देख रहे हो ये गियर में कोई प्ले नहीं बचा, देखो कितना पता नहीं ये क्या हुआ है, देखो ऐसे ऐसे अप डाउन कर रहा है, मतलब गियर में ना कोई फील फैक्टर ही नहीं है। तो पता नहीं गियर बॉक्स टूट गया है ना गियर लीवर का स्प्रिंग टूट गया है यार, इंजन रिलेटेड खर्चा आ गया। तो आप लोग देख रहे हो देखो कैसा कैसा कर रहा है, देखो इतना लूज ना क्या हुआ समझ नहीं आ रहा, कोई गियर ही नहीं लग रहा है। हाँ भाई, थोड़ा सा दिल पे बुरा लग रहा है और बाइक का नुकसान हो चुका है। तो अब एटलीस्ट क्या है कि मेरा बाइक सेकंड गियर पे है और थर्ड गियर पे ही फंस गया, तो सेकंड से थर्ड जा रहा है और न्यूट्रल भी नहीं हो रहा, तो उसी गियर पे स्टार्ट करके हमें जाना पड़ रहा है यार, कभी कभी न्यूट्रल हो रहा है। तो अब एक मैकेनिक भैया है तो उसका वहाँ पे जाते हैं और पता करते हैं कि कैसा क्या सीन हुआ है भाई, लेकिन बहुत मन से ख़राब लग रहा है यार। जो बाइकर होगा ना वो समझ पाएगा यार, मेरा ये बेबी लाइट कभी मेरे को धोखा नहीं दिया यार, लेकिन फिर भी यार देखो अभी भी धोखा नहीं दिया, अभी भी जो बाइक मैकेनिक भैया के पास जाना है कभी भी यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर तक दूर है जाना है, लेकिन फिर भी भाई अब क्या बोलो यार, जाना तो पड़ेगा, ठीक है, कोई सिचुएशन तो है नहीं कि छोड़ दें यार, क्योंकि बाइक लाइट दिल के पास है यार। तो एक तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल का काम है यार, एक तो सेविंग्स भी उतना नहीं है, देखो फ्रेंकली बोल रहा हूँ, और उतना पैसा होता भी नहीं है, सब राइड पे पेट्रोल पे वीडियोज़ बनाने में खर्चा होता है यार। तो चलो जो भी है जाके देखते हैं कैसा क्या सीन है। एंड आज को मंडे है भाई, पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है, आज को मंडे है एंड सुबह का 9 बज रहा है भाई, आई थिंक आप देखो सुबह का 9 बज रहा है। तो जाते हैं और देखते हैं कैसा क्या सीन है, और आज को बजाज शोरूम नहीं जाएंगे, बजाज शोरूम में भाई आज को बंद रहता है, ठीक है, मंडे को, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक दिन रुकूं, तो आज को ही जा रहा हूं, देखता हूं कैसा क्या सीन होता है, उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो जाते हैं 15 किलोमीटर दूर 20-30 का स्पीड में, चलो मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो फिलहाल भाई एक अपडेट देना आप लोगों को कि ऑलमोस्ट देखो थर्ड गियर पे ही चल रहा है, 4000-5000 RPM में 35-38 तक कर रहा है। एंड एक चीज़ क्या हो रहा है कि बाइक बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, देखो वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा चिल्ड है, ठंडा वेदर है, लेकिन क्या हो रहा है कि हाई RPM लो गियर में चला तो बाइक बहुत हीट कर रहा है यार, रेडिएटर फैन ना ऑन हो जाए इस चीज़ का भी डर है, बाइक ओवर हीट भी ना कर जाए क्योंकि, और क्लच प्लेट में भी प्रॉब्लम ना आ जाए क्योंकि एक ही गियर पे ऐसा RPM पे चलना इज़ नॉट गुड फॉर है बाइक्स इंजन मैन, ऊपर से बजाज के इंजन है तो क्या बोल सकते हैं, आप समझ सकते हो। तो चलो जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं वो भैया के पास, अगर उस भैया के पास शूटिंग अलाउ होगा तो करेंगे, नहीं तो देखा जाता है, या जो भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, मूड ऐसे बहुत खराब है भाई, मिलते हैं लेटर वाला तो वीडियो में। A few moments later. So guys, देख सकते हो फिलहाल आ चुके हैं सर्विस सेंटर के सामने और बजाज सर्विस का ये वाला ऑथराइज्ड है, तो जिसको भी बजाज का रिलेटेड या बजाज का बाइक का कोई भी इशूज है आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो, नंबर और डिटेल्स आप देख लो। तो फिलहाल देख सकते हो, तो फिलहाल अभी बेबी लाइट पे काम हो रहा है, तो देखो फिलहाल भैया अभी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब नॉर्मल चल रहा है। फिलहाल अभी जो भी मेरा गियर बॉक्स का जो इशू हुआ था आई थिंक आपने मैंने वीडियो में बोला था, तो फिलहाल अभी भैया धीरे धीरे काम कर रहे हैं उसका ऊपर, और आगे जो भी कुछ अपडेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ, तो फिलहाल आप लोग वीडियो में बने रहो, और क्या इशू हुआ है कैसा क्या प्रॉब्लम हुआ है तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, चलो वीडियो में बने रहो बस। सो फाइनली यहाँ पे देख पाओगे इंजन केसिंग का जो कवर उसको खोला जा रहा है, अब खोल के ही पता लगेगा इंजन में क्या प्रॉब्लम आया भाई लोग। तो एक चीज़ बोलूँगा, मैं बहुत डर रहा था क्योंकि पहली बार हो रहा है मेरे बाइक के साथ कि मेरा इंजन केसिंग खोल रहा है या इंजन में कोई प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, 3.5 ईयर्स में लगभग 4 साल में मेरा बाइक या बेबी लाइट ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया यार, तो दिल पे थोड़ा ख़राब लगता है। और यहाँ पे देख पाओगे नीचे इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है,
और भैया जस्ट अभी इंजन केसिंग वाला जो कवर है उसको पुल करके खोलेंगे, उसके बाद इंजन कंपार्टमेंट का अंदर दिखेगा कि कैसा क्या सीन होता है। तो फिलहाल देख पाओगे इंजन केसिंग खुल चुका है और अंदर में देख पाओगे आपकी क्लच प्लेट असेंबली भी दिख रहा है। भैया धीरे 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 खोलेंगे और जो भी इशूज़ होगा आप देख ही पाओगे वीडियो में। तो एक चीज़ बोलूँगा भाई, फ़िलहाल मुझे काम करवा के अच्छा ही लगा, परफॉर्मेंस भी सही आ रहा था एंड भैया ने मोर और लेस अच्छा ही इंजन को फिट किया था। तो आई थिंक आप पूरा वीडियो देखो समझ में पाओगे। और यहाँ पे देख पाओगे एक स्पेशल टूल के मदद से क्लच प्लेट जो असेंबली होता है या क्लच जिससे लॉक रहता है वो लॉक के स्क्रूज को खोल के क्लच असेंबली को निकाला जाएगा ताकि अंदर में जो काम है या अंदर में जो गियर रॉड का जो काम है या गियर का जो स्प्रिंग है वो क्लच प्लेट या क्लच असेंबली निकालने के बाद ही हम लोग देख पाते हैं। और यहाँ पे देख पाओगे स्पेशल टूल के मदद से क्लच प्लेट हाउसिंग या क्लच प्लेट असेंबली को खोला जा रहा है ताकि अंदर में जो प्रॉब्लम है या गियर लीवर के या गियर रॉड के अंदर वाला जो स्प्रिंग है जो गियर अप डाउन करने में मदद करता है उसको खोला जाएगा। तो आई थिंक आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे हो, तो फिलहाल देखते रहो और मैं बीच बीच में थोड़ा सा बताते रहूँगा ताकि क्या होगा कि इंटरेक्शन अच्छा होगा और आप लोग समझ भी पाओगे। अगर किसी का NS200 है, BS4, BS6 या BS3 तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो ही सकता है। तो फिलहाल मैंने मैकेनिक भैया से पूछा था कि यह मेजर प्रॉब्लम है या माइनर प्रॉब्लम है, तो भैया ने बोला कि ये माइनर प्रॉब्लम है, बजाज के इंजन पे ये गियर रॉड के ऊपर जो स्प्रिंग टूटते रहता है नॉट अ बिग इशू। बट दिक्कत का बात क्या है कि जो मैकेनिक इसको कर रहा है एटलीस्ट इंजन को फिट सही ढंग से करे, नहीं तो भाई इंजन लीकेज का प्रॉब्लम हो गया तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल भाई लोग इंजन केसिंग कवर खुल चुका है और देख पाओगे इंजन के अंदर कैसा कुछ सीन होता है भाई। एंड फिलहाल यहाँ पर देख पाओगे क्लच प्लेट असेंबली भी खुल गया है और इंजन का जो केसिंग का जो कवर होता है वो भी खुल गया है। एंड यहाँ पे इंजन का जो गियर का जो स्प्रिंग्स होता है वो भी खुला है। एंड यहाँ पे इंजन खुल गया और भैया उधर काम कर रहे हैं, तो पता नहीं भाई बेबी लाइट में क्या इशू हुआ है, बस देखते हैं कि जल्दी जल्दी इशू रिजॉल्व हो जाए। यार लाइफ में पहली बार इंजन खुलते हुए देख रहा हूँ यार, होप करता हूँ कि इंजन खुलने का जो मिथ है कि इंजन एक बार खुलने के बाद वैसा बनता नहीं है तो वो मिथ गलत साबित हो। तो चलो सो फार सो गुड एंड देखते हैं कैसा कैसा सीन होता है उसके बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर इंजन पूरा फिलहाल खुल चुका है एंड फिलहाल जो स्प्रिंग टूटा था आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल देख पाओगे क्लच असेंबली है, ये क्लच का स्प्रिंग्स है और इंजन केसिंग के ऊपर वाला कवर है। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला इंजन मतलब बाइक का क्लच प्लेट असेंबली है, तो क्लच प्लेट फिलहाल ठीक है और ये वाला जो स्प्रिंग देख रहे हो यही वाला स्प्रिंग टूट गया, आई थिंक देख रहे हो ना यही स्प्रिंग टूट गया इंजन में और इसीलिए पूरा दिक्कत हो रहा था। तो फिलहाल भाई लोग देख पाओगे लाइट में काम हो रहा है एंड भाई देख ही पाओगे लाइट में क्या क्या नुकसान हुआ है। तो पूरा इंजन केसिंग को खोला गया है और एंड मैं चेंज वगैरह का भी काम एक साथ ही करा रहा हूँ कि बाहर बाकी और दिक्कत ना हो। मतलब चलो जो भी है सही, आपने वीडियो में देखा यार पूरा सच बोलूं दिमाग ख़राब हुआ है जब से ये गियर का पिन अचानक से गियर का जो स्प्रिंग अचानक से टूट गया। तो देखते हैं कैसा क्या सीन होता है, उसके बाद आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में तो देख ही रहो कैसा क्या सीन है, तो चलो वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। A few moments later. फिलहाल भाई लोग देख पाओगे चेंज पॉकेट नया आ चुका है, तो ये ओल्ड लॉट का है। तो फिलहाल यहाँ पे देख पाओगे जेल NS200 का नंबर है, 108 लिंक है एंड 39 टीट एंड 14 टीट है स्प्रॉकेट का। तो फिलहाल अभी ये भाई इसको यहाँ पे लगा देगा एंड फिलहाल उधर भी बाइक का काम चल रहा है। तो भाई एक चीज़ आप पहले नोटिस कर पाओगे कि जो पुराना वाला है उसका जो टीथ है वो घिस चुका है बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पे टीथ घिस चुका है। एंड नया वाला जो है उसका भी टीथ पूरा शार्प है, पॉइंटेड है, तो चेन कंडीशन जो था वो पूरा जा चुका था। तो फिलहाल अच्छा हुआ कि इसको भी टाइमली रिप्लेस कर दिया गया। सो गाइज यहाँ पे देख पाओगे बाइक का फाइनल काम हो चुका है, जो भी गियर का जो पिन था वो भी एडजस्ट हो गया। अब भैया जो इंजन केसिंग का जो बाहर वाला पॉइंट होता है उसको भैया साफ़ कर रहे हैं और प्रॉपरली एडजस्ट कर देंगे। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, फिलहाल जो भी मेरा बाइक का काम हुआ मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। आप आई थिंक आने वाला वीडियो में देख पाओगे परफॉर्मेंस भी अच्छा लग रहा है एंड अब फाइनल जो इंजन केसिंग का असेंबली होता है उसको सब एडजस्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंजन का जो केसिंग होता है जहाँ पे DTSI लिखा है डिजिटल टिपल्स वर्क, इसको भी भैया अच्छा से एडजस्ट कर रहे हैं, जो भी नट है अच्छा से टाइट कर दे रहे हैं ताकि ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो फिलहाल भाई बाइक का काम हो चुका है और यहाँ पे देख पाओगे परिमल ऑटो है, तो चंडीदास का सामने वाला रोटरी से आप आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा। एंड फिलहाल अभी निकल रहा हूँ, तो क्या क्या चेंजेस करवा आई थिंक आपने देखा, तो मेन था कि एक छोटा सा स्प्रिंग टूट गया था गियर रॉड पे जो रहता है, हाँ गियर रॉड पे एक तो स्प्रिंग होता है जो टूट गया था वही वाला
चेंज करने के लिए भाई पूरा इंजन का 50% खोलना पड़ा भाई। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, स्मूथ हो गया गाड़ी बहुत, क्लच फील भी बहुत सही लग रहा है एंड हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है भाई एंड बारिश में थोड़ा सा मज़ा करते हैं। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि क्या सब हम मैंने चेंजेस किया। तो सबसे पहले भाई जो गियर रॉड के ऊपर जो छोटा सा भाई स्प्रिंग होता है जो पूरा गियर को अप डाउन करने में हेल्प करता है, वो टूट गया था अचानक भाई, तो वो चेंज हुआ है। एंड फिलहाल भैया ने जो सब भी किया, आई थिंक आपने वीडियो में देखा ही होगा भाई, तो स्पेशली जिसका बजाज का बाइक है उसके लिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, समझे कि नहीं, क्योंकि ये बजाज के ही ऑथराइज्ड मतलब सर्विसमैन है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सीन था भाई एंड फिलहाल चला के तो बहुत ही सही लग रहा है गाड़ी एंड मैंने अपना चेंज पॉकेट को भी चेंज कर लिया भाई एंड गाड़ी बहुत सही लग रहा भाई चला के फिलहाल। एंड वर्षा हो रहा है धीरे धीरे, परफॉर्मेंस पता नहीं थोड़ा सा बूस्ट अप लग रहा है क्योंकि चेंज पॉकेट चेंज हुआ है। कोई है भाई लाइफ में इतना दिन पहली बार कोई भाई साहब अच्छा लग रहा भाई चला के, पैसे लगे भाई। तो टोटल क्या खर्चा आया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा हुआ मेरा चेंज पॉकेट भी यहीं से मिल गया, शोरूम नहीं जाना पड़ा। आज को मंडे भी था तो सर्विस सेंटर भी बजाज वाला ऑफिशियल जो एजेंसी है वो बंद ही रहता है, तो फिलहाल आज को यहाँ पे काम हो गया, मतलब दोनों काम हो गया।